नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं टिड्डियों के बारे में और जानते हैं होती क्या है टिड्डी और ये चर्चा में क्यों है। आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश तक भी आई, बिल्कुल झुंड से झुंड आए और हमारी वनस्पतियाँ खा के निकल गई। तो आइए देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन ने पहले चेतावनी दे दी थी कि ये निकल चुके हैं। कहाँ से निकले? यमन से निकले, ओमान से निकले। वहाँ से उनको एक ब्रीडिंग ग्राउंड मिला, वहाँ से वो निकले। क्यों मिला, कैसे मिला, वो हम बाद में बताएंगे। थोड़ा हम देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने चेतावनी दी कि जून जुलाई के में एक बार टिड्डी दल फिर से भारत, पहले आए थे फिर से भारत, मार्च तक में महीने में आए हुए थे, फिर से भारत पाक में सक्रिय हो सकता है। केंद्र सरकार ने क्या किया, 16 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन कौन से थे? मध्य प्रदेश और राजस्थान। इनका क्या सीन था कि मानसून से पहले मई में दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान से सीन क्या हुआ, मानसून आने वाला था। ये क्या करते हैं, गर्मी वाला इलाका या अच्छी खासी बारिश वाला इलाका या हल्की सी गीली मिट्टी जिनमें वो अंडे दे सके, ऐसा इलाका ढूंढते हैं। तो मानसून आने वाला था भारत में, तो वो पाकिस्तान से चल रही थी राजस्थान के लिए, टिड्डी आई। ये 1962 में भारत में पहली बार ये दल उत्तरी राज्य की ओर बढ़े थे। 1962 से अब 2020 में पहली बार वो उत्तरी राज्यों की तरफ बढ़े थे। विशेषज्ञों का मानना है कि एक बार फिर से राजस्थान के रेगिस्तान में मानसून की शुरुआत के साथ अंडे देने से पहले पूर्व और पश्चिम की ओर फिर से घूमेंगे। इनकी लहरें जून में दक्षिण ईरान और जुलाई में हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रायद्वीप से मिलेंगी, ये उस समय उनका मानना था। विशेषज्ञों के अनुसार पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खेती को नुकसान पहुंचाने वाली टिड्डी दल अप्रैल में पाकिस्तान से भारत आए। मौजूदा झुंड भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आया, जो सोमालिया का ऐसे निकला होगा, आपने देखा अफ्रीका से हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, वहां से आए। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा मैं टिड्डी टिड्डी कर रहा हूँ, टिड्डी होता क्या है, इंग्लिश में उसको लोकस्टस बोलते हैं। अब इसको थोड़ा इसका बायोलॉजिकल फिगर देख लेते हैं क्या होता है टिड्डी। टिड्डी एफ्रीडाइडी परिवार के ऑर्थोप्टेरा गण का कीट है। हेमिप्टेरा गण के सिकेडा वंश का कीट भी टिड्डी या फसल टिड्डी कहलाता है। इसे लघु श्रृंगी टिड्डा भी कहते हैं। संपूर्ण संसार में इसकी केवल 6 जातियां हैं, मैं प्रजाति नहीं बोला, 6 जाति बोला, 6 जातियां पाई जाती हैं। ये एक प्रवासी कीट है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वनस्पति खाने के लिए और जाते जाता घूमता रहता है। अभी हम बात भी ये बताएंगे कि कौन से ज्यादा खतरनाक होते हैं और किन से हमें खतरा कम होता है। इनकी उड़ान 2000 मील तक पाई गई है। अच्छी बारिश या परिस्थितियां सही होने पर ये तेजी से प्रजनन करती हैं। इनकी दिक्कत क्या है ना, ये जैसे इनको अच्छी बारिश मिल गई या गर्मी का सही से इनका प्रजनन करने के अनुकूल मौसम मिल गया, तो उसी परिस्थिति के हिसाब से अपना मूड चेंज कर लेते हैं। इनके दिमाग में एक चेंजमेंट सा आता है और ये प्रजनन करने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसलिए और इनकी संख्या बढ़ती है। 3 माह में इनकी संख्या 20 गुना बढ़ सकती है, आप सोचिए 20 गुना बढ़ सकती है। एक दिन में 50 किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं। उष्णकटिबंधी कीड़े होते हैं जिनके पास उड़ने की अतुलनीय क्षमता होती है। कौन? टिड्डे। उष्णकटिबंधी कीड़े होते हैं, आमतौर पर जुलाई अक्टूबर के महीनों में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि गर्मी और बारिश के मौसम में ही ये सक्रिय होते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा, भाई ये इसी साल क्यों हुआ, 2019 में क्यों नहीं हुआ, 2018 में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो सीन क्या हुआ, हिंद महासागर में एक साइक्लोन आया, उसकी वजह से ओमान में बारिश हो गई और ओमान में बारिश हुई तो इन भाई साहब लोगों को, टिड्डी लोगों को मिल गया प्रजनन करने के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड। हल्की सी दलदली मिट्टी में, ये हल्की सी गीली मिट्टी में अंडे दे देते हैं, तो इन्होंने अंडे दे डाले। इसके बाद ये अमन फिर सोमालिया और फिर उसके बाद ईस्ट अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका के देशों में घुस गए। दूसरी तरफ दूसरा इनका जो ग्रुप था वो ईरान, सऊदी अरब और यमन से होते हुए अपनी तरफ आ गया, पाकिस्तान और भारत में घुस गया।
रेगिस्तानी जो टिड्डी होती है, ये टिड्डियों के भी प्रकार होते हैं, उनमें से एक रेगिस्तानी टिड्डी होती है, बहुत खतरनाक होती है। ये क्या, उड़ते उड़ते अपना मूड चेंज करती है, प्रजनन करेगी, बहुत सारा झुंड धीरे धीरे बढ़ाती रहेगी, और ग्रुप में ये और ज़्यादा विध्वंसक होती है। तो इसने क्या किया, 3 से 5 माह तक ही जिंदा रहती है, इसकी विशेषता ही है। और थोड़ी गीली मिट्टी में अंडे देना पसंद करती है, जैसे ओमान में उसने देना पसंद किया था और आतंक मचा दिया। 1 मीटर जमीन में, मतलब 1 मीटर जमीन का जो हिस्सा है ना, उसमें एक 1,000 अंडे दे देती है, 1,000 अंडे बिछा देती है। आप ये सोचो, आप ये अंडों से बाहर निकलकर, इनके जो बच्चे होते हैं वो अंडों से बाहर निकलेंगे, और आसपास की वनस्पति चढ़ती कर जाएंगे, फिर उड़ेंगे और नेक्स्ट ग्रुप में मिल जाएंगे। ऐसे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अब सवाल आएगा, ये तो ये भाई बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो, ये क्षति कैसे पहुँचाते हैं, कैसे हमारे जीवन पर इनका प्रभाव पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला ये चट कर सकते हैं। हजारों झुंड में आते हैं और पत्ते, फूल, फल, बीज सब खा जाते हैं, मतलब ये वेजिटेरियन है, इसलिए हमें दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात है, भारत और विश्व में जो सबसे खतरनाक, मैंने बताया ना, रेगिस्तानी मरुभूमि वाला जो टिड्डा होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये क्या होता है, समूह में इसका व्यवहार बदलता जाता है, प्रजनन करने का मन करता है इसका, जैसे अनुकूल परिस्थिति है तुरंत प्रजनन करता है। 1 घंटे में 16 से 19 किलोमीटर जाता है, 16 से 19 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। अगर हवा इसके साथ चल गई उसी डायरेक्शन में तो और दूर जाएगा। एक अडल्ट जो टिड्डी होती है वो अपने उसका वजन 2 ग्राम के आसपास होता है, वो उतना ही खा भी लेती है एक दिन में। ये आप सोचो कि 1 किलोमीटर की टिड्डी दल में, अगर 1 किलोमीटर का इनकी वो है तो उसमें 4 करोड़ टिड्डियां होंगी, और वो उतना खाना खाएंगी जितना एक दिन में 35,000 आदमी खाना खाता होगा। सोचिए आप, कि जिसकी खेतें बैठ गई गायब कर देंगी 10 मिनट में। अभी कौन कौन से देश इससे प्रभावित हुए, सोमालिया हुआ, लाल सागर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, लाल सागर का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम एशिया। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के से कौन सी एंट्री इन्होंने मारी, ये ओमान से उड़े, इथोपिया में गए, सोमालिया में, केन्या के बाद भी 14 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जितने देश आते, इथोपिया, सोमालिया, उसके बाद केन्या में घुसे, फिर उसके बाद 14 देश हो गया और यात्रा की। उनकी जो एक रिफ्ट घाटी है ना, जो कट के अलग हो रही है अफ्रीका से, उस पूरे देश को नापा इन्होंने। अब से ईस्ट की तरफ गए, वहाँ चढ़ करके गए, फिर उसके बाद 25, एक और ये है बोला वहाँ के विशेषज्ञों ने कि 25 साल में सोमालिया और इथियोपिया में पहली बार ऐसा हुआ है, इतनी दयनीय अवस्था कर दी इन्होंने, और 70 सालों में केन्या में से पहली बार इतना बड़ा किया है। अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की वो संस्था है इसके रिलेटेड, उसने बोला है भाई अंतर्राष्ट्रीय मदद का अगर अभाव रहा तो इनकी संख्या 500 गुना बढ़ जाएगी। लाल सागर क्षेत्र में सऊदी अरब, ओमान, यमन, ओमान से तो निकले थे ये, फिर दक्षिण पश्चिम एशिया जैसे ईरान, भारत, पाकिस्तान, उसमें ये गए। हमने तो देखा ही लाइव, यूट्यूब में वीरियल और सॉरी वीडियो भी वायरल काफी हुए, व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे। आप देखते हैं भारत में टिड्डियों की कौन कौन सी प्रजाति है, दुनिया भर में 10 प्रजाति बोल रहा हूँ मैं, अब दुनिया भर में 10,000 से ज़्यादा, लेकिन भारत में केवल 4 प्रजातियाँ ही पाई जाती हैं। लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात है, जो रेगिस्तानी वाला है वो अपने यहाँ पाया जाता है। इसमें रेगिस्तानी टिड्डा जो है, इसको प्रव्राजक टिड्डा, मतलब इसकी 4 प्रजाति आपको बता रहा हूँ मैं, भारत में कौन कौन सी है। रेगिस्तानी टिड्डा सबसे खतरनाक है, उसके सिवाय तीन कौन से हैं, प्रव्राजक टिड्डा, बम्बई टिड्डा, पेड़ वाला टिड्डा। आप देखते हैं रेगिस्तानी टिड्डा जो भाई बहुत खतरनाक खतरनाक, मैं दर्ज कर रहा हूँ, उसकी विशेषता क्या है, ये खाद्य प्रणाली को पूरा चट कर जाता है। और मैंने जैसे बोला ना, उड़ते हुए इसका व्यवहार बदलता है, प्रजनन करता है, 3 से 4 महीने की इनकी लाइफ ही होती है, बच्चे भी जल्दी निकलते हैं अंडों से, वो भी खापी के बराबर कर देते हैं। ये अपनी व्यवहार बदलने की क्षमता और बड़े समूह बनाने के कारण ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बड़े समूह में चलते हैं। बाकी जो हैं वो इतने बड़े समूह नहीं बनाते, उनको आप एक काम करोगे, किसी भी तरीके से स्प्रे मार के, हाथ से नॉर्मल स्प्रे मार के गिरा सकते हो। इनके लिए तो बहुत हेलीकॉप्टर के इसके जरिए और कंटिन्यू खेत में, लोगों ने थाली बजाई थी अपने यहाँ जब आए थे, काफी कुछ किया था तब जाके थोड़ा बहुत बचा पाए थे। प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक ये उड़ सकते हैं रेगिस्तान वाला। 40 से 80 मिलियन टिड्डियां 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आ सकती हैं। सोचो आप, 40 से 80 मिलियन टिड्डियां 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूरा खाक बराबर कर देंगे। अब इसके लिए भारत में क्या है, भारत में क्या है इसके लिए, एक टिड्डी चेतावनी संगठन बना रखा हुआ है।
ये कृषि और किसान मंत्रालय के अधीन काम करता है, गुजरात राजस्थान में मुख्य रूप से, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो मेन निगरानी का काम उनका गुजरात और राजस्थान में ही रहता है। और इसका और क्या काम है, कृषि और किसान मंत्रालय के अधीन जो आता है टिड्डी चेतावनी संगठन, ये क्या करेगा, सर्वेक्षण भी करेगा। हाँ भाई, किस मौसम में कैसे आएंगी, इनको रोकने के रोकथाम क्या होंगे, कैसे हम काम करें कि हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन वैसा माहौल ना बने कि ये जो अभी आपको सामने स्क्रीन दिख रही हैं ये हमारे घर में आ सके, हम इनको ऐसा मौका ना दें। और नियंत्रित अगर आ भी गई तो फिर हम नियंत्रित कैसे करें, वो ये देखता है टिड्डी चेतावनी संगठन। इसके दो मुख्यालय हैं, एक है फरीदाबाद जो प्रशासनिक कार्यों के लिए है, दूसरा है जोधपुर जो तकनीकी कार्यों के लिए है। अब बात आती है टिड्डी नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आ गई तो हम कैसे करेंगे। तो एक होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट करके केमिकल, उसका छिड़काव हम करेंगे तो हम इनसे बच सकते हैं। तो हम कैसे से कर सकते हैं, अगर ये रेगिस्तानी वाला आ गया है तब तो हमारे पास ऑप्शन कम बैठते हैं। तो अभी हम सरकार ने कोशिश की, हेलीकॉप्टर से स्प्रे स्प्रे मारा, कुछ लोगों ने अपने गांव में खेतों में अपने हाथ से स्प्रे मारा, गाड़ियों से व्हीकल को यूज़ करके, है ना, बहुत सारे माध्यम यूज़ करके हमने किया। कुछ लोगों ने बोला कि कैसे ना कैसे इनको प्रेस करके एक सीमित एरिया में ले आके फिर इनको करा जाए, जैसे ये शाम को, देसी जुगाड़ बताया कि ये शाम को जैसे बैठती हैं तभी इनको इनके ऊपर स्प्रे करा जाए, ऐसा करें। कुछ विशेषज्ञों ने ये सलाह दी कि ये जहाँ पे अंडे देती हैं वहाँ पे जुताई कर दो, गहरी जुताई, तो इनके अंडे नीचे रह जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा भी एक बताया। लेकिन सबसे मेन कारण क्या है, ये भी तो एक प्रकृति का हिस्सा है ना, ये अनियंत्रित क्यों हो रहा है, ये इससे सोचना सबसे ज्यादा मेन कारण है। तो हम ऐसे जलवायु परिवर्तन का कारक ही अपने भारत देश का जो था पहले, ये सब चीजें बहुत कम हुआ करती थी, बिल्कुल नियंत्रित था चीजें। तो उन जलवायु परिवर्तन के जो कारक है ना उन पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्यों साइक्लोन आ रहा है ना, क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हर चीज किसी ना किसी चीज से जुड़ी होती है, क्यों उनको ऐसी इतनी जनसंख्या बढ़ाने का मौका मिल रहा है, क्यों इसका दिमाग में वो हार्मोन्स क्रिएट हो रहा है कि वो बार बार प्रजनन करने का इसको हो रहा है। तो ये सब चीजें, हर चीज एक चीज से कॉम्प्लीमेंट है, दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। तो हमें खुद में ऐसा सुधार करना पड़ेगा कि हम ऐसी समस्याओं को ना झेल सकें। हाँ, सरकार करती है, लेकिन सरकार की पहुंच उस तक नहीं पहुंच सकती जो एक आम आदमी के ऊपर उसका प्रभाव कितना पड़ता हो। आप सामने देख रहे होंगे कि इतना झुंड अगर किसी के खेत में बैठ जाए उसका खेत वहीं बर्बाद हो जाएगा। तो सजग रहिए, प्रकृति से प्रेम करिए, और मैंने बताया आपको कैसे नियंत्रण करना है, और ये सारी बातें दूसरों तक भी पहुंचाइए। और अगर टिड्डी के बारे में आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, वीडियो देखिए कैसे प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है। नमस्कार, जय हिंद।